लॉन्ग शॉट कट आगे चलो आगे अभी तो अब दिया है कोर्ट से, अब दिया है थाने से जाके लेके आए। आप खुद लेके आए? ओपन कर लीजिए, वैसे ओपन कर लीजिए। कहाँ जाऊँ मैं सामान लेके अपना? कहीं भी जा, हमारे क्यों कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, ऐसे ऐसे चली जाऊँ? शादी क्यों की थी? एक बच्चा 7 साल का मेरा, कहाँ जाऊँ मैं? मैं कहाँ जाऊँ बच्चा लेके मैं अपना? मुझे नहीं पता है ये, ऐसा तुमने फर्जी 426 खेल के मेरा सामान बाहर कर दिया। 420 करी है, 420 करी है, जब तो मेरा सामान बाहर करा तुमने। कोर्ट से पूछो ना ये, 420 करके किसी और को पेश करते रहे वहाँ पे मेरी जगह। कोर्ट बता दे, नोटिस दे रहे, मुझे आज तक कोई नोटिस नहीं मिला कोर्ट को के हमने 420 करी है या नहीं करी। हाँ कोर्ट मुझे पता तो लगना चाहिए ना, मेरे पास केस चल रहा है मेरे ऊपर। जो 420 और ऐसे मुझे बाहर कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ अकेले? हमने नहीं करा, किसी ने करा? 10 बार ही आए हैं इन्होंने, एलियन के घर पे भी गए, यहाँ पे भी। मेरे पास कोई सामान नहीं आया, अगर मेरे पास आते तो मेरे पास नहीं होते। कोर्ट के पास सारे सबूत है, सबका रिकॉर्ड है। मेरे पास कोई संबंध नहीं आया, तो कोई केस कम नहीं आया, इन्होंने पता नहीं कौन सा संबंध भेजा है। तेरे पास है या ना है? कोई नहीं, वो कोर्ट से पूछे हैं। मेरा सारा केस, मेरा कोई बात होगी नहीं। मैं कहाँ जाऊँ रात भर यहाँ पे रहूँ? कहीं भी जा, कहीं भी मत जा। देखो ऐसे करते हैं मेरे साथ, कह रहे कहीं भी जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं अपना सामान लेके? बेटे को भगा दिया जानबूझ के। की मैं मर जाऊँ यहाँ पे, यही मर जाऊंगी, तुम्हारे से सब कुछ हो जाएगा। मेरा बच्चा साथ में कहाँ लेके जाऊंगा जिंदगी भर उसके लिए? तुमने लेते ना तो हम बेघर नहीं करते, बेघर नहीं करते उसको। अगर बच्चे को रखना होता ना मेरे साथ, तुम्हें तो तमीज नहीं रखने की, मुझे तमीज नहीं रखने की। कैसी हुई बैठी हूँ बता दो ना, कैसी हुई बैठी हूँ? तू तो ऐसी बनी बैठी है। अच्छा मैं सास हूँ। कैसी बैठी हूँ? अब तुम ही सास बनी रहो, तुम क्या था ना बन रही हो, जब भी तो बाहर करते हैं सामान।
अगर तुम्हें थोड़ी सी नैन सी आनी होती तो ऐसे काम करती। हमारे साथ मत क्या कुछ भी। हाँ क्या काम? किससे कहूँ मैं? तो तुमने निकाल के बाहर करा है। मुझे पता नहीं लगा कौन का छुट्टी चीज का। हमने 20 तारीख को पहले ही इनको फोन किया कि जी बैठ के फैसला कर दो। नहीं मेरे पास तो कोई को मेरे का पास कोई फैसले की कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्डिंग है। किसको किससे बात हुई है? किससे बात हो गई? मेरे साहब से बात हुई है। किस साहब से बात हुई? बात कर लो जी 24 की। मेरे से बदतर जिंदगी इन्होंने मेरी कर दी है। चोरी से तुम मुझे एक दो दिन चार दिन का वक्त देते। कब तुमने ऑर्डर किए? कब किया? मुझे कुछ बीच में इस बारे में कुछ नहीं पता। 8 साल रही तो हूँ, 3 साल हुए जो अपने दम पे लड़ी हूँ। न माँ का सपोर्ट, न बाप का, न भाई का। मैं किसी का सपोर्ट नहीं चाहती अपने दम पे लड़ने वाले में से रखती हूँ। अब अचानक से मुझे कुछ पता नहीं, मेरे ऑर्डर हो गए। अब मैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा जो है वो भी तो कभी करके आएगा। मेरी माँ तूने क्या करा मुझे? तो बेघर कर दिया। अब बच्चे को अपने में लेकर कहाँ जाऊँ? बेटे को गायब कर दिया है। सकल शाम से ना तो रेगुलर आता है, यहाँ पे सोता है। अगर तुमने बेदखल किया तो बेटे को बेदखल। दीपमाला नाम। क्या हुआ आज आप बाहर क्यों बैठे करके? सर मेरा ना, मुझे पता नहीं इस केस के बारे में कुछ भी, और इन्होंने अचानक से मेरा आके सामान निकाल दिया। जहाँ मेरा 3 साल से केस चल रहा कोर्ट में मेरे पति के, और पति के खिलाफ, मेरे सास ससुर के खिलाफ। हमने बहुत इन्होंने डाले। हम 5 महीने बात कर रहे हैं, 8 महीने बाद गारंटी मारते ले ले अगर सामान तल्की बाहर दिखाई और रात का कटवा यार तुमसे अचानक से पता नहीं कैसे ऑर्डर निकाले और मुझे इस केस के बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं थी। किसने बाहर निकाला आपका सामान? ये कोर्ट से 2-3 दिन आया था, पुलिस वालों को फोन करा था, बाहर से लेबर बुला के निकाल के बाहर। घर के बाहर कब से बैठे हैं? मैं सुबह 1 बजे से 1:15 बजे से बाहर बैठी हूँ। क्या आपके घर वालों को या ससुराल वालों को इस बात की कोई जानकारी है? वो कहाँ हैं? वो ससुराल वाले ऊपर ही हैं और हस्बैंड कल रात से गायब है, जिसके साथ मैं 3 साल से रह भी नहीं रही। वो अपनी माँ के साथ बाहर वाले कमरे में रहता है। और इस केस के बारे में मुझे भी अभी आज तक कोई नॉलेज नहीं थी। 2014 से इन्होंने केस डाल रखा था और मैं कभी भी इस केस में ना पेश हुई और ना मुझे इसके बारे में कुछ पता। अच्छा, क्या मकान खाली कराने से पहले आपको कोई नोटिस दिया मुझे गया? कोई नोटिस नहीं आया था। तो अचानक से आके एकदम से कह रहे निकालो निकालो, ये आपके नाम से ऑर्डर आया, ये निकालो सामान। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? रात का समय हो रहा है, कहाँ जाऊँ मैं? पूरी रात यहीं रहना पड़ेगा, क्या करूँ? कोई पुलिस को कॉल कर रही हूँ, किसी को कॉल कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं दे रही। मेरे माँ बाप का इतना हिसाब किताब ही नहीं जो मुझे रखे वहाँ पे ले जाकर। अभी आपने पुलिस को कॉल किया? मैंने कम से कम 10 बार कॉल किया, मगर उसमें एक दो बार आई है और आई नहीं। क्या कहा उन्होंने आकर के? उन्होंने कुछ नहीं कहा, कह रहे कि ऑर्डर है कोर्ट से, आप निकलना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ बेटा है मेरा 7 साल का, उसको मैंने अपने घर पे भेजा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि आपको कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता था। आज तक मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। क्यों खड़े हैं आप इस वक्त यहाँ पे? रात के 11 बजे एक लेडी कहाँ जाए? अब बताओ, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, पब्लिक हमारे इनके साथ खड़ी है। अगर नहीं खड़ी होगी तो उसके अकेला छोड़ के कहाँ जाएगी? आजकल का माहौल वैसे इतना खराब है,
थोड़ा सोचना चाहिए, उनके घर वाले ने सोचे, हम तो इसलिए खड़े हैं। क्या महिला को अकेला निकाला है या और भी कुछ किया है? उनका सामान भी निकाला? सामान भी निकाल दिया सारा बाहर। किसने निकाला? पुलिस ने बता रहे हैं, वो पुलिस आई है, एडिस पुलिस आई है। क्यों निकाला है, कुछ जानकारी मिली आपको? ये हमें इतना नहीं पता, उनको पता है, वो कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर दिए, लेकिन वो कहते हैं मैं तो कोर्ट में गई नहीं, ऑर्डर कहाँ से आ गए, बिना मेरे पेश हुए ऑर्डर मिल गए उनको और ऑर्डर दिए। आप लोगों ने बात की इनके घर वालों से? इनके घर वाले सुनने को तैयार नहीं होते, क्या कहते हैं और बोलते हैं, रिक्वेस्ट करिए आज रात को तो ले लो अंदर इनको कम से कम, कहते नहीं हम तो नहीं लेंगे, निकाल दिया हमने, अपनी रखी है।